जागरूकता अभियान के तहत विजन जबलपुर के सदस्यों ने लाडगंज क्षेत्र से रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने, व्यापारियों को समझाइश दी और साथ ही बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क पहनाए। जिला पंजीयन कार्यालय को मिले 478 करोड़ के राजस्व वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार कवायद की जा रही है। अप्रैल माह से आरंभ हुए वित्तीय वर्ष में अभी तक 87 करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है। बिजली के दामों में मनमानी बढ़ोतरी, अनाप शनाप बिजली बिल, अघोषित बिजली कटौती और बिजली से संबंधित जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। सड़क पर जन्मदिन मनाकर आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम और कोलाहल एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने युवा इनका नेताओं सहित 400 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ओमती पुलिस के मुताबिक तैयब अली चौक पर युवा इनका नेता सक्षम गुलाटी के जन्मदिन पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पेंशनर्स की लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आगामी रणनीति तय करने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता हड़ताल की राह पर हैं। जिला चिकित्सालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनका न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वादा अधूरा है। शिविर लगाकर बिजली के बिलों में सुधार करने की मांग को लेकर रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली के अनाप शनाप बिलों ने गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों की नींद उड़ा दी है। सावन मास में शहर के शिवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। श्री श्रृंखला में गलगला स्थित शिव शक्ति मंदिर में महादेव का रुद्राभिषेक किया गया और साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण सहित गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी सम्पन्न हुआ। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने बीजा डांडी के समीप उदयपुर स्थित आशीर्वाद ढाबे के बाजू में नितिन गौतम की वेल्डिंग की दुकान में अवैध रूप से केरोसिन रखे जाने की सूचना पर छापामार कार्यवाही की है। मां की डांट से नाराज होकर घर से गायब हुआ गढ़ा निवासी 9 वर्षीय बालक को पुलिस ने ढूंढकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार लापता बालक उन्हें गढ़ा बाजार में घूमता हुआ मिला और पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने दोस्त के घर रुका था। गोपाल विहार में हुई चोरी की घटना का क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। इसके 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए चोरों से 19 तोला सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के जेवर एवं 8,85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना से बचने जन जन तक पहुंचाया जा रहा है संदेश। विजन जबलपुर टीम के जरिए संक्रमण से बचने के बताए जा रहे हैं उपाय। अभियान के तहत बड़ा फुहारा क्षेत्र में हुआ जन जागरण। न्यूनतम वेतन मान की मांग को लेकर आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता हड़ताल पर, पहले भी कर चुके हैं 45 दिनों तक आंदोलन। और क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने पकड़ी शातिर चोर गैंग। गोपाल विहार में हुई चोरी का हुआ पर्दाफाश। 8,85,000 रुपए और 19 तोला सोना एवं 5 किलो चांदी के जेवर बरामद। जागरूकता अभियान के तहत विजन जबलपुर के सदस्यों ने लाडगंज क्षेत्र से रैली निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने, व्यापारियों को समझाइश दी और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क पहनाए गए। विजन जबलपुर और पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे गो कोरोना अभियान के तहत लाडगंज बड़ा फुहारा क्षेत्र में रैली के जरिए व्यापारियों सहित ग्राहकों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। विजन जबलपुर और जबलपुर पुलिस के द्वारा कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान, उसके आज तीसरे दिन हम लोगों ने लॉर्डगंज थाने से अपना अभियान प्रारंभ किया। उसके पश्चात फुआरा कमानिया गेट होते हुए तमाम व्यापारी जो वहाँ पर हैं उनको समझाइश दी गई, लोगों को समझाइश दी गई जिनके पास मास्क नहीं, उन्हें मास्क दिए गए। और सबसे यह निवेदन किया गया कि केवल
पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है कोरोना को रोकना, आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि हम कोरोना को रोकें। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को समझाइश देकर उन्हें मास्क पहनाए गए। जिला पंजीयन कार्यालय को मिले 478 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार कवायद की जा रही है। अप्रैल माह से आरंभ हुए वित्तीय वर्ष में अभी तक 87 करोड़ रुपए का राजस्व आ चुका है। जिला पंजीयन कार्यालय में इस वित्तीय वर्ष के आरंभ से लेकर अभी तक 10,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जिससे अभी तक 87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिला पंजीयक रजनीश सोलंकी ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए 478 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है। वित्तीय वर्ष में हमारा जो टारगेट है रेवेन्यू का वो 478 करोड़ है, लेकिन अप्रैल से आज दिनांक तक हमारे यहाँ 10,000 से ऊपर लगभग रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, जिसमें करीब 87 करोड़ का रेवेन्यू हमें प्राप्त हो चुका है। रजिस्ट्री के जो गाइडलाइन हमारी है वो अभी 1 अगस्त से लागू हो गई है, उसमें जो हमारे नई लोकेशन है सिर्फ उन्हीं की दरें निर्धारित हुई हैं, बाकी जो और जो लोकेशन है उनके जो दरें हैं वो दरें यथावत रखी जाएंगी। बिजली के दामों में मनमानी बढ़ोतरी, अनाप शनाप बिजली के बिल, अघोषित विद्युत कटौती और बिजली से संबंधित जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में विद्युत उपभोक्ता लुटने को मजबूर हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिशन कंपाउंड स्थित बिजली कार्यालय का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के राज में बिजली उपभोक्ता लुटने को मजबूर हैं। विद्युत मंडल द्वारा बिजली के दाम मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे हैं, उपभोक्ताओं के घर अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं, अघोषित लाइट कटिंग हो रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। घेराव कर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हम लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार में 100 यूनिट पर 100 रुपए बिल लिया जाता था, उसी प्रकार उसी योजना को गलत करते हुए आज की शिवराज सरकार लूटने का काम कर रही है। दो दो महीने तक लूट रीडिंग नहीं हो रही है, उसके बाद रीडिंग का स्लैब बढ़ाते हुए लोगों को अनाप शनाप बिल दिए जा रहे हैं। और भी हमारी कई मांगों को लेकर आज एक ज्ञापन था कि जो अभी अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं और जो इनके जो मीटर लगे हुए हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं, और कोरोना कोविड काल में चूंकि सारे व्यापारी बहुत प्रभावित थे, व्यापार बिल्कुल नहीं था, तो हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों से इनसे एक निवेदन है, आग्रह है कि सभी बिजली के बिलों को कोविड काल में जो भी व्यापार बंद रहा उन्हें माफ़ किया जाए, मतलब बिल्कुल भी बिजली के बिल ना लिए जाए। आज चूँकि ये ज्ञापन रहा, आगे अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यही आंदोलन आगे चल के बहुत उग्र होने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि बिजली से संबंधित जन समस्याओं को जल्द दूर नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सड़क पर जन्मदिन मनाकर आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम और कोलाहल एक्ट का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने युवा इंका नेताओं सहित 400 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमती पुलिस के मुताबिक तैयब अली चौक पर युवा इंका नेता सक्षम गुलाटी के जन्मदिन पर नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही थी। ओमती थाना क्षेत्र स्थित तैयब अली चौराहे पर रात 12 बजे एक युवा कांग्रेस नेता का जन्मदिन सड़क पर मनाया जा रहा था, जिसमें करीब 400 लोग एकत्रित थे। यह सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को खदेड़ दिया। आयोजन के जरिए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस मामले में ओमती पुलिस ने युवा कांग्रेस नेता सक्षम गुलाटी, जतिन राज, अमन अरबी, सोहिल दत्ता, राहुल रजक, दानिश अफरीदी सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 एवं 53 आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम व कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तैयब अली में जो है दीक्षित प्राइड के सामने कुछ लोग जो है बर्थडे पार्टी मना रहे थे, करीब 200 से 300 लोग थे,
इसमें सक्षम गुलाटी का बर्थडे पार्टी थी और उनके द्वारा जो है पटाखे वगैरह भी जलाए गए। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था उनके द्वारा, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है महामारी अधिनियम में, भारतीय दंड संहिता में और आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत। उसमें जो है फूल वर्षा करने के लिए इनके द्वारा ड्रोन मंगाया गया था और ड्रोन को जो है जब्त किया गया है। इस कार्यवाही के चलते देर तक मुख्य मार्ग पर हंगामा मचा रहा। फूल वर्षा के लिए लाया गया ड्रोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पेंशनर्स के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आगामी रणनीति तय करने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पेंशनरों की लंबित मांगों और प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आगामी रणनीति तैयार की गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि शासन के द्वारा उनकी मांगों के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे पेंशनर्स में रोष व्याप्त है। राज्य के पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर निवेदन करने के बाद भी एक रुपये की कोई राहत उपलब्ध नहीं कराई गई और हमारे तमाम पेंशनर जो है जिनकी डेथ हो चुकी है और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं इलाज में, उनको भी कोई सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं हो। हमने निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम अनेकों बार निरंतर आज 2 साल से जुलाई 2019 से लेकर आज तक हमको 1 रुपये के फायदा नहीं मिला। अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता हड़ताल की राह पर हैं। जिला चिकित्सालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनका न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक वादा अधूरा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के गेट पर विरोध प्रदर्शन करती ये महिलाएं स्वास्थ्य विभाग की आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि पूर्व में जब इनके द्वारा 42 दिनों तक हड़ताल की गई थी, तो प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि न्यूनतम वेतनमान एवं शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। मांगे अब तक अधूरी हैं। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन एक साथ पूरे प्रदेश के सभी 52 जिलों में हो रहा है। पंद्रह साल से अपनी विगत सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर घर घर पर। सरकार हमारी अगर समस्या को नहीं सुनेगी, हमें वेतन संबंधी समस्या का समाधान नहीं करेगी, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं देगी, तो हम बार बार संगठित होंगे, बार बार एक होंगे और बार बार अपने न्यूनतम वेतन मान के लिए हड़ताल को जारी रखेंगे। आज हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन है, ये पूरे 52 जिलों में एक साथ है संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे। आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के चलते विक्टोरिया हॉस्पिटल के गेट पर देर तक हंगामा मचा रहा। शिविर लगाकर बिजली के बिलों में सुधार करने की मांग को लेकर रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिजली के अनाप शनाप बिलों ने गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों की नींद उड़ा दी है। बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर एवं बिजली के अनाप शनाप बिलों के कारण जनता को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि शिविर लगाकर बिलों में सुधार कार्य कराया जाए। राज्यपाल महोदय को देखते हुए हमारी मातृशक्ति, पहले भी हम लोगों ने 3 महीने पहले 2.5 महीने पहले ज्ञापन दिया था, जो 3-3 महीने का इकट्ठा रीडिंग करके टैरिफ बढ़ा के इन लोगों ने बिजली दिया था, जिस पे इन्होंने कहा था कि हम संशोधन करेंगे, लेकिन संशोधन किया नहीं। अब इनके पास जिनके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, जो जमा नहीं कर पा रहे, उनके पास मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में ध्यान देना चाहिए। ना प्रदेश सरकार ध्यान दे रही है, ना MPP के विभाग के अधिकारी, बल्कि कर्मचारी जाके लोगों के यहाँ कह रहे हैं कि अगर बिजली के बिल आपके जमा नहीं होंगे तो आपके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिलों में सुधार कार्य लगातार किया जा रहा है, रीडिंग भी समय पर हो रही है। इसमें मुख्य मांग उनकी ये है कि बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, जो विशेष रूप से उनकी मांग है। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा कि नियमानुसार रीडिंग के अनुसार ही बिल आ रहे हैं, और कोरोना काल में जो मई में रीडिंग नहीं हो पाई थी 1 माह, उससे पिछले माह ही कंजम्पशन के अनुसार बिल दिए, खपत के अनुसार बिल दिए गए थे। पर यदि किसी की रीडिंग में त्रुटि होती है और वो रीडिंग लेके आता है ऑफिस में, तो नियमानुसार उसमें हम बिल सुधार कर रहे हैं।
प्रदर्शन के चलते बिजली विभाग कार्यालय के सामने देर तक मजमा लगा रहा। सावन मास में शहर के शिवालयों में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। इसी श्रृंखला में गलगला स्थित शिव शक्ति मंदिर में महादेव का रुद्राभिषेक किया गया और साथ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण सहित गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। गुरु प्रदोष के पावन अवसर पर गलगला स्थित शिव शक्ति मंदिर में भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। सावन मास के अवसर पर प्रत्येक दिन देवाधिदेव महादेव का विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है और भक्तगण भगवान से कोरोना महामारी को समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक प्रतिदिन प्रारंभ है। आज गुरु प्रदोष के इस पावन अवसर पर दुर्लभ संयोग पर भगवान शिव जी का विशेष अभिषेक और पूजन किया गया। यहाँ पर गुरु दीक्षा का कार्यक्रम भी किया गया। प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा गुरु दीक्षा हमारे द्वारा उन्हें प्रदान की गई और भगवान शंकर से प्रार्थना की गई कि संस्कार दान वासियों को एवं समस्त देशवासियों को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और समस्त लोग प्रगति करें, भगवान की कृपा सभी लोगों को प्राप्त हो। इस दौरान भक्तों द्वारा गुरु दीक्षा भी ली गई। इस मौके पर प्रवीण गुप्ता सहित राजा सोनकर और अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने बीजा डांडी के समीप उदयपुर स्थित आशीर्वाद ढाबे के बाजू में नितिन गौतम की वेल्डिंग की दुकान में अवैध रूप से केरोसिन रखे जाने की सूचना पर छापामार कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के दौरान 10,500 लीटर केरोसिन जब्त किया गया है। एसटीएफ ने नितिन गौतम को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 इलेक्ट्रिक पंप, 1 ट्रक भी जब्त किया है और उससे केरोसिन के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मां की डांट से नाराज होकर घर से गायब हुआ गढ़ा निवासी 9 वर्षीय बालक को पुलिस ने ढूंढकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार लापता बालक उन्हें गढ़ा बाजार में घूमता हुआ मिला और पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने दोस्त के घर पर रुका था। गढ़ा आनंद कुंज में रहने वाले रमाकांत का 9 वर्षीय बालक घर से अचानक लापता हो गया। बच्चे के गायब होने की सूचना मिलने के बाद हरकत में आई गढ़ा पुलिस के द्वारा बच्चे की पतासाजी करने के लिए टीमें लगाई गईं। हालांकि बुधवार को लापता बालक गढ़ा बाजार में पुलिस को मिल गया और पुलिस उसे लेकर थाने पहुंची, जहां पर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि माँ की डांट से नाराज होकर बच्चा घर से चला गया था। 11:30 बजे रात में रिपोर्ट लिख के कंट्रोल रूम और सब जगह सूचना दी गई। इसके पश्चात गश्त में भी हमारे गढ़ा थाने की पेट्रोलिंग में मेरी खुद की गश्त थी, तो मेरे द्वारा भी और हमारे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा भी रात में ही चारों तरफ देखा गया और जहाँ जहाँ संभावित है वहाँ वहाँ देखा गया, किंतु बच्चे का कोई पता नहीं चला। फिर सुबह से फिर स्टाफ लगा तो मोहल्ले के CCTV और फुटेज देखते देखते बच्चा वहीं पास में पीछे तरफ कहीं किसी दोस्त के यहाँ रुका हुआ था। उसको जो है अभी 12:30-1 बजे घर में अभी छोड़ के आए। हमारा बच्चा कल 5:30 बजे से घर से मिसिंग था। उस पतंग उड़ा रहा था, उसकी माँ ने थोड़ा सा डांट दिया तो उससे वो घर से भाग गया था, तो अपने दोस्त के यहाँ पर था। हमारे यहाँ की मीडिया और पुलिस दोनों बहुत एक्टिव हैं, उन लोगों ने बहुत सहायता की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस अब बच्चे से पूछताछ कर रही है कि वो किस दोस्त के यहाँ पर रुका था। गोपाल विहार में हुई चोरी की घटना का क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है। इसके 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पकड़े गए चोरों से 19 तोला सोने के जेवर, 5 किलो चांदी के जेवर एवं 8,85,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 22 जुलाई को कोतवाली थाना अंतर्गत गोपाल विहार में रहने वाले पान मसाला व्यापारी अखिलेश अग्रवाल के घर हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने शातिर नकबजन मोहित उर्फ विवेक मल्हा सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई गैंग के 3 सदस्य प्रेमनाथ मल्हा, दुर्गेश पटेल एवं संजय शर्मा भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों से क्राइम ब्रांच एवं कोतवाली पुलिस ने 8,85,000 रुपये नकद एवं 19 तोला सोने के जेवर एवं 5 किलो चांदी के जेवर बरामद किए हैं। साथ ही
चोरी में प्रयुक्त औजारों को भी जब्त किया गया है। इसमें जो अपराध जो पंजीबद्ध हुआ है वो धारा 457, 380, 401, 411 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसमें 9 आरोपी गिरफ्तार अभी हो चुके हैं और 3 और फरार हैं। इसमें पहला आरोपी है मोहित उर्फ विवेक मल्ला, पिता पप्पू मल्ला। इसने ये चोरी में इन्वॉल्व है और इसके अलावा 8 अन्य आरोपी है जो जिन्होंने चोरी का माल रखा था। वो व्यक्ति हैं रोहित मल्ला, सुरेंद्र, चंदन मल्ला, संतोष शर्मा, संदीप शर्मा, सुष्मिता पटेल, दीक्षा मल्ला, बसंती मल्ला। इसमें 3 आरोपी अभी फरार हैं, प्रेमनाथ उर्फ पप्पू मल्ला, संजय शर्मा, दुर्गेश पटेल। इसमें जो मशरू का अभी जब्त हुआ है उसमें सोने के जेवरात हैं, जिसमें ब्रेसलेट, कंगन, मंगलसूत्र, चेन, कान की वाली, हाय चंद्रमा, टॉप्स हैं। कुल 19 तोला सोना अभी जब्त हो चुका है। साथ ही चांदी के जेवरात, सिक्के, सिल्ली हैं, जिसमें 5 किलो 460 ग्राम चांदी अभी के जेवरात अभी जब्त हो चुके हैं। साथ ही नकदी 885,000 की नकदी जब्त हो चुकी है। गौरतलब है कि इस चोरी की घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कप्तान ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, लिहाजा पुलिस की टीम को पुरस्कृत किया जाना तय है। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी प्रेमनाथ मल्हा शातिर चोर है, जिस पर पहले से 35 मामले विचाराधीन हैं। उसने अधिकांश वारदातें भोपाल में की हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।